जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों NMMS के फॉर्म को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये देखिए पत्र जारी किया गया है, उषा चंद्रा मैम है जो कि निदेशक है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की। इन्होंने पत्र जारी किया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद। जो टॉपिक है आपके सामने है बच्चों, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने के संबंध में। आपने सही सुना, आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। काफी दिक्कतें आ रही थी बच्चों, क्योंकि कई बच्चों के अभी सर्टिफिकेट जो है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे, किसी के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे, तो काफी इशू जा रहे थे। इस वजह से जो है डेट को देखकर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो डेट आप देखिए, ये डेट जो बढ़कर कितनी हो गई आई हम देखें। पहले जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/9/2023 थी, जानते हैं आप लोग। ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा हुई त्रुटि में संशोधन की तिथि 19/9/2023 से 21/9/2023 निर्धारित की गई थी, जिसका प्रचार प्रसार आपके स्तर से भी हुआ है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 28 सितंबर 2023 कर दी गई है। तब देखिए जो लास्ट डेट हो गई बच्चों 18 सितंबर हो गई है, और जो संशोधन करना होगा, जो भी उसमें गलतियां हो गई होंगी, वो बच्चों 29 से 1 अक्टूबर के बीच में अब की जाएंगी। तो बच्चों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। और जो जानते हैं आप लोग कि जो परीक्षा है आपकी कब है, वो 5 नवंबर 2023 को सभी जनपदों में निर्धारित समय पर ही होगी। ये इसकी डेट बच्चों नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट थी। दूसरा एक और है कि कई लोगों को दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आप जो भी ब्राउजर यूज कीजिए, ठीक है, जिससे भी आप कीजिए, गूगल से कीजिए, किसी से भी कीजिए, उसकी हिस्ट्री क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा और बार बार कीजिएगा, ताकि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।